साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कमाल के गेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में हो सकता है कि आपने पहले कभी ना देखा हो ना सुना हो। बट उससे पहले रहेगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। आवंट गेट। तो इंडिया में ज्यादातर लोग अपने घर के बाहर ही अपना कार पार्क करना पसंद करते हैं, जिसके लिए वे घर के बाहर एक रेलिंग जैसा स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं जिसके अंदर ही गाड़ियां सेफ एंड सिक्योर रहती है। लेकिन यह उनके लिए काफी ज्यादा कष्टदायक होता है। अपनी कार को बाहर निकालने के लिए पहले तो अपने कार से उतरना, फिर गेट ओपन करना, जो कि काफी ज्यादा झंझट भरा होता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए कुछ इस तरीके के एडवांस डोर मैकेनिज्म का। इस डोर में एडवांस लेंसेज लगे होते हैं। जैसे ही आपका कार इसके पास आता है तो यह फौरन ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो अगर आपका भी कार घर के बाहर पार्क होता है तो आपको इस तरीके के एडवांस डोर मैकेनिज्म का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मर्फी डोर। दोस्तों, घरों में अक्सर कुछ ऐसे जगह होते हैं जिन्हें हम लोगों की नजरों से छुपा कर रखना चाहते हैं। तो अगर वहाँ पे हम एक नॉर्मल दरवाजा का इस्तेमाल करें तो उसे कोई भी ओपन करके इंटर कर जाएगा। तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के स्मार्ट हिडन डोर को। इस डोर को इस तरीके से सेटअप कर दिया जाता है कि सामने वाला देखकर समझ ही नहीं पाता है कि वहाँ पे कोई दरवाजा भी है। यानी कि ये डोर आपके घरों में एक हिडन डोर की तरह काम करेगा। इस डोर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके घर के कलर पेंट से मैच कर जाता है और दूर से देखने पर लगता भी नहीं है कि वहाँ पे कोई दरवाजा भी है। और जब भी आपको जरूरत हो उसमें इंटर करने की तो बस ओपन करिए और अंदर चले जाइए। तो अगर आप भी कोई चीज लोगों से सीक्रेट रखना चाहते हो तो आपको इस डोर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये डोर स्पेशली आपकी सीक्रेट चीजों को लोगों की नजर से दूर रखेगा। ट्रैकलेस बाई फोल्डिंग गेट। दोस्तों, अब जो गेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें आपको काफी ज्यादा कमाल का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। गेट को ओपन और क्लोज करना वाकई में सर दर्द भरा काम होता है। और अगर मेन डोर की बात करें तब तो पहले आपको अपने कार से उतरना होगा, फिर उसे ओपन करके आपको अंदर जाना होगा। तो अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के स्मार्ट डोर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यह एक कमाल का ट्रैकलेस बाई फोल्डिंग गेट है। इसमें आपको दो पैनल देखने को मिल जाता है जो ओपन होने के बाद दोनों एक इस साइड जाकर सिमट जाती है। इस गेट की सबसे खास बात तो यह है कि यह ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है और आप इसे अपने रिमोट के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको अपने रिमोट से एक बटन दबाना, उसके बाद यह गेट कुछ इस प्रकार से अपने आप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एक मोटर देखने को मिलता है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह मोटर लाइन और बैटरी दोनों के द्वारा संचालित हो जाती है बड़ी आसानी से। तो अगर आपके पास भी स्पेस की कमी है तो आपको इस गेट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एलिडो स्कोप डोर। लोहे के चार हिस्सों से बनाया गया यह कमाल का फोल्डिंग दरवाजा है। यह बाहर से देखने पर भी काफी अच्छा लुक तो देता ही है, साथ ही साथ इसे बार बार खोलने और बंद करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि इसमें मल्टीपल हिंजेस दिए गए होते हैं। केवल एक हिंज दबाते ही इसके चारों हिस्से अलग अलग टुकड़ों में कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है और फिर उसी बटन को दबाने पर यह वापस से बंद हो जाती है। यह गेट आपका काफी ज्यादा समय बचाने वाला। ऑटोमेटिक गेट एक्सट्रीम गेट। दोस्तों, अब जो मैं आपको गेट दिखाने वाला हूँ वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये गेट्स बड़े बड़े मकानों और प्लॉटों के लिए बनाया जाता है जहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के स्मार्ट गेट्स को। दूर से देखा जाए तो ये आपको एक लंबे लंबे पिलर की तरह दिखाई देंगे जो आपस में एक दूसरे से अलग रहते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यह गेट है। लेकिन जब आप इसके पास जाएंगे और यह गेट ओपन होगा तब ये सारे पिलर्स जमीन के अंदर चले जाएंगे और आने जाने का रास्ता बिल्कुल ओपन हो जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। वहीं सेफ्टी की दृष्टि से देखा जाए तो यह गेट काफी ज्यादा बेहतर इसलिए रहता है क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि यह गेट है। और साथ ही ये गेट्स काफी ज्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल के बने होते हैं जो सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होता है। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा गेट अच्छा लगा। मिलता हूँ आपसे फिर एक ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।